हाय फ्रेंड्स, ललिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मटर की चटपटी और मसालेदार सब्जी, जिसके लिए हमने जो चार आलू है उनको छील करके अच्छी तरह से काट लिया है। पीस में हमने लगभग 100 ग्राम के लगभग हरे मटर है वो लिए हैं। दो टमाटर को हमने बारीक काट लिया है, एक हरा प्याज लिया है हमने बारीक काट करके, 10-12 जो लहसुन की कलियां हैं उनका जो पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, ये जो एक कटोरी हमने जो दही है फ्रेश दही वो लिया है, एक हमने जो हरी मिर्च है उनको उसको बारीक काट लिया है, हमने एक प्याज को बारीक काट करके तैयार कर लिया है, हमने जो सभी मसाले हैं उनको मिक्सअप कर लिया है। इसमें हमने 1 चम्मच नमक लिया है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच छोटी चम्मच जो धनिया पाउडर लिया है और 1 छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर जो कढ़ाई है उसको रखेंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच है वो लगभग तेल का डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें हम जो जीरा है वो डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन है वो हमने डाल दी है। ये देखिए जो गोल्डन ब्राउन होने तक जीरे को हम तेल के अंदर ही डाले रखेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया है वो करेंगे। ये देखिए आलू मटर की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है, इसे आप घर पे जरूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस न करें। तो प्याज हमने बारीक कट किए तो उसमें डालेंगे और इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। अब देखिए साथ में हम जो हरी मिर्च हमने काटी थी और जो टमाटर काटे थे उसको टमाटर आधे और जो हरी मिर्च काटी थी उसमें मिक्सअप करेंगे अच्छी तरह से और इन्हें अच्छी तरह से हम पकाएंगे ताकि ये तेल है उसमें अच्छी तरह से फ्राई हो सके। ये देखिए जो प्याज टमाटर और हरी मिर्ची थी वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और सभी हम मसालों को हमने पानी के अंदर मिक्सअप कर लिया है। लहसुन का पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया है और इसमें अच्छी तरह से हम उसे मिक्सअप करेंगे और तेल को सरफेस पर आने तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए तेल हमारा अच्छी तरह से सरफेस पे आ चुका है। इसमें जो हमने दही लिया था एक कटोरी छोटा कटोरी उसमें एड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे जो खट्टापन है सब्जी में आ सके और सब्जी का टेस्ट है वो लाजवाब हमारा बन सके। देखिए कितना अच्छा मसाला है वो दिखाई दे रहा है और इसे मिलाते रहेंगे क्योंकि जो दही है वो इसमें अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए। ये देखिए और अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। ये देखिए तेल हमारा अच्छी तरह से सरफेस पे आ चुका है और दही भी इसमें मिक्सअप हो चुका है। जो हमने आलू किए थे छोटे छोटे पीस में वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए आलू को छील करके हमने अच्छी तरह से काट करके और धो लिया था ताकि जो कोई गंदगी इसमें नहीं रह सके, क्योंकि सब्जी में जो मिलावट है आजकल बहुत है वो आती है, इसलिए हम अच्छी तरह से आलुओं को इस मसाले में मिक्सअप करेंगे। और देखिए इनका जो कलर है कितना ही सुनहरा है वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अच्छी तरह से हम आलुओं को इसमें मिक्सअप करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा समय लगता है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी है वो बनेगी हमारी। वीडियो में लगातार बने रहें और मेरे चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये देखिए जो हमने 3-4 मिनट के आलुओं को अच्छी तरह से पका लिया है, जो मटर हमने लिए थे सफल हरे मटर वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए और अच्छी तरह से हम इसे मिक्सअप करेंगे। ये जो मटर है अच्छी तरह से हरे आते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा पकाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। आलू जब पक जाएंगे तो उसके बाद आप इसे डाल सकते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बनकर के तैयार है और जो हमने हरे प्याज को छोटे बारीक पीस में काटा था वो इसके अंदर हम ऊपर ऊपर डाल देंगे ताकि जो टेस्ट और जो सब्जी दिखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। ये देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी है वो बनी है, घर पे आप जरूर ट्राई करें, बहुत बहुत अच्छी सब्जी है वो बनेगी। और ये जो आलू है ये बच्चे से बड़े सब अच्छी से पसंद करते हैं, जल्दी बनने वाली रेसिपी है, घर पे आप जरूर ट्राई करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।